खाए बिना इंसान अब चैन से है खाने, मैंने रोका तुझे खाने से, रोका तुझे खाने से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और मुझे लगता है अकेला मैं ही जगा हूँ, सब लोग सो रहे हैं क्योंकि सोते सोते 12:01 बज गए थे। 12:01 बजने का मतलब है कि अभी कोई भी नहीं जग रहा होगा, सिर्फ अकेला मैं जग रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। और अभी हम, मैं, मेरा भाई का बेटा, हम दो लोग इस रूम में पीछे रुके हुए थे जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ से मैं आपको एक सामने का अगर व्यू दिखाऊँ ना तो वो कुछ ऐसा है। ओहो, ये देखो, है ना जबरदस्त और खतरनाक। बादल देख रहे हो भाई, क्या गजब है। तो भाई पहाड़ों का ये मजा है और स्पेशली पहाड़ों का ऐसा मजा और भी आता है जब आपका कोई भाई, आपका कोई रिलेटिव ऐसी जगह ले लेता है और आप वहाँ पे सुकून की सांस लेते हो। मजा आ गया, मतलब पहाड़ में बहुत गया हूँ लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस कल रात से लेके अब तक मैंने पहली बार देखा है कि लोकेशन बहुत प्यारी है। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा मैं आपको यहाँ की एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी हल्का सा सनराइज़ हो जाए और सनराइज़ पहाड़ों का ना भाई बहुत अल्टीमेट होता है। अब वो पता नहीं कितनी देर में होगा क्योंकि आई थिंक आज बादल हैं बहुत सारे। आप देख ही रहोगे ना, अच्छे खासे बादल हैं। बादल नहीं होते ना तो यहाँ से सनराइज़ का मज़ा अलग ही होता। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी पूरी घुमाता हूँ, कैसी है, कहाँ है और कैसे आप आ सकते हो, सब कुछ बताऊँगा। और यकीन मानिए अगर आपने यहाँ का ये एक्सपीरियंस ले लिया आपको मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पे रात में आया हूँ, रात में मैं इतना कुछ देख भी नहीं पाया, मेरे को रात में इतना मज़ा आ गया। और अगर आप दिन में देख लोगे ना सही से तो फैन हो जाओगे भाई इस जगह की। और इसके जो रूम्स हैं ना भाई बहुत क्लासी हैं, बहुत क्लासी। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहाड़ों पे आके मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। मैं रात में सोया 12 बजे और अभी 6 बजे उठा हूँ। मन तो कर रहा है आज भी पूरा दिन रुक जाऊँ लेकिन मैं कपड़े भी नहीं लाया और मेरी पीटी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब तो इसीलिए थोड़ी देर और रुकते हैं, सब लोगों से साथ बातें करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद निकल चलेंगे अपने घर के लिए। और भाई लोग जो आए हुए हैं ना वो लोग निकल जाएंगे अपने रास्ते। गुड मॉर्निंग, बादल है आज। ये भाभी लोग नीचे से हुए थे और वैसे ही सोती रहती है लेकिन इनको यहाँ का सनराइज देखना था। छोटू को भी उठा दिया है और छोटू अब जा रहे हैं टहलने, थोड़ा सा टहल के आएंगे। जबरदस्ती उठा दिया है छोटू को, बकवास मत कर, 7 बजे भी जबरदस्ती उठा दिया है, कहाँ से खुलेगा। गाड़िया हमारी गाड़िया, ये मेरे भाई की गाड़ी जिसका ये विला है और ये छोटू की गाड़ी और वो खड़ी है मेरी डार्लिंग। चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा पहाड़ों पे ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का मजा ही अलग है। क्यों छोटू, तू तो रहने दे, तेरे को क्या ही मजा आ रहा होगा। देखो ये हमारा विला, नीचे 2 रूम है और ऊपर 2 रूम है। छोटू और मैं यहाँ ऊपर रुके हुए थे, बाकी के सब लोग नीचे रुके हुए थे। अभी हम लोग जो रुके हुए हैं ना वो मुक्तेश्वर से 10 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है सुंदरखाल करके, वहां पे हैं। ये मेन रोड जा रहा है मुक्तेश्वर के लिए और यहीं से हम लोग हल्का सा इंक्लाइन चढ़ के और यहाँ से करीब 200 मीटर जाके यहीं पे अपना बिला पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर जाके है लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में घुसोगे ना आपको मजा आ जाएगा। क्या बोलते छोटू, बहुत बढ़िया, रिग्रेट नहीं करोगे कि इतना लाके यहाँ तक ऊपर आके गाड़ी अंदर ले जाके इतना प्रॉपर्टी देखोगे ना आप तब लोगे बर्थ इट था आना यहाँ तक। ये देखो क्या मस्त कुत्ता है, भूख लग रही है, ये ऐसा लगे पूछ ला रहा कितने पहले जानता है अपन को। क्या खाएगा बिस्कुट खाएंगे। ये देखो कितना मजा है, बंद नहीं होती बंद, वो देख बंद है क्या। रुक जा हीरो, रुक जा, दे रहे बेटा कैसे मजे में देख रहे हैं। इसके पास खुद डॉगी है ना तो इसे बड़ा लगाव रहता है डॉगी से। चल घूम के आएंगे अपन, अभी हम लोगों के साथ भी घूमेगा थोड़ी देर। Don't you leave, now is my time to go.
तो भाई साहब अभी ठंड बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सूरज एकदम ऊपर और क्लाइमेट एकदम क्लीन। तो ये है यहाँ की प्रॉपर्टी, और आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। रूम्स में आप लोगों को अभी दिखा भी दूंगा, रात में मैंने दिखाए भी थे, अभी एक बार सफाई पाई हो जाए। आई थिंक मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि एक दिन और रुक जा, तो एक दिन अगर मैं और रुका तो ये जब रूम साफ़ हो जाएंगे ना उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, सुबह ऑमलेट तो खा लिया था क्योंकि भूख बहुत तेज थी, अभी चल के ब्रेकफास्ट करते हैं पराठे और आलू। ये है यहाँ का किचन और यहीं पर हम लोग खाने वाले हैं खाना। क्या तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि मैं आज यहाँ पे रुक रहा हूँ, और मेरे जो भैया भाभी और फूफा जी और उनके बच्चे आए थे ना वो लोग निकल रहे हैं, और मैं अपने बुआ के बेटे के साथ जा रहा हूँ अल्मोड़ा, उसको कुछ प्रॉपर्टी का कुछ देखना है तो उसके साथ घूमेंगे, और मुझे लगता है शाम तक ही आ पाएंगे क्योंकि 2.5-3 घंटे भी तो पहुँचने में लगेगा, और अभी 11 बज चुके हैं तो मतलब 2-3 बजे तक तो हम पहुँचेंगे, फिर आएंगे तो शाम पूरी वहीं पे निकल जाएगी। तो अभी इसको यहाँ पे लॉक कर जाते हैं, अपना सारा सामान रखा है अंदर, अभी भैया लोगों को करते हैं सी ऑफ, उसके बाद अरे यार मैं अपना स्वेटशर्ट ले लेता हूँ क्योंकि आते समय ठंडा हो जा रहा है यहाँ पे। ये अपना स्वेटशर्ट ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है। और भाई हेलमेट लगा के आता हूँ ना, जिस वजह से मेरे बाल वाल ना सब ऐसी तैसी हो जाती है, अभी आपको कल तक ऐसे ही बाल दिखने वाले हैं क्योंकि फिर हेलमेट लगाऊंगा फिर ऐसी हो जाएंगे, इसलिए मैं काट ही नहीं रहा। हाँ छूटा तो था इसका फोन चार्जर पावर बैंक सब रह गया अंदर, वो तो देख लिया लास्ट टाइम मैंने। आपने वो किसने देखा? मतलब वो कह रहा नितिन ने देख लिया, कोई भी नितिन मान लो। तो अपनी बाइक को वहीं छोड़ दू जहाँ खड़ी है, वो वहीं पे छोड़ दू, सही है ना? वो कोई गाड़ी वाली तो नहीं छोड़ी ना आने वाली? नहीं नहीं, अब जाके चढ़ाओगे? बैठो ना। अरे बैठिए, तू चढ़ा दे। चलो भाई बाय, फिर में कब मिलते हैं? नवंबर में क्या करो यार, निपटाओ यार चाचू यार। चलो भैया बाय 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 बाय, समझे ना? बाय। इंक्लाइन थोड़े ज्यादा है तो गाड़ी जाएगी 4x4 पे। चलो बाय बाय। भाई साहब ये घर डाल दी बोले अब मेरे से ले आई, भैया आएंगे वही करेंगे, हल्का सा मिट्टी करेगा, आराम से ले। चलो चलो बाय बाय बाय, खुश रहे। हाँ कल जाओ, वही कह रहा रुक जा आज कल चलते हैं। अब उस बेचारे की जगह ही नहीं बची किसे बैठने के लायक। चलो मैक्सी बाय, मैक्सी जा रही हो? तो अभी भाई के साथ इतनी सारी ऑफ रोडिंग करके ना हम लोग आए हुए हैं ये जमीन देखने के लिए। जो जमीन दिख रही है ना ये यहाँ पे नाली के हिसाब से 100 नाली जमीन है, और ये और कुछ ये रोड के इधर साइड में ये दो जगह जमीन है। तो ये जमीन कुछ देखने आए हैं भाई अभी, बस यहाँ से अभी चलते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गया यार, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, मैंने सुबह सुबह पराठे खा लिए हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट घर पर जाके मिलूंगा, ये बस देख ले भाई। अच्छा ये रोड तक है ना, रोड तक।